भारत में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। देश में 24 घंटों में कोविड-19 के 16,000 से ज्यादा केस दर्ज हुए हैं। इसके साथ ही देश में कोरोना संक्रमण के एक्टिव केस की संख्या घटकर 1,43,989 रह गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 16,464 नए केस दर्ज होने के बाद देश में संक्रमितों का अब तक का कुल आंकड़ा बढ़कर 4,40,36,275 हो गया है। वहीं इस दौरान हुई 39 मरीजों की मौत के बाद मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 5,26,396 पहुंच गया है। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में एक्टिव केस की संख्या में गिरावट हो रही है। मौजूदा समय में एक्टिव केस घटकर 1,43,989 रह गए हैं। वहीं अब तक कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके लोगों की संख्या 4,33,65,890 हो गई है। इस बीच कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार पहले की तरह ही तेज है। पूरे देश में अब तक वैक्सीनेशन का आंकड़ा 204 करोड़ के ऊपर पहुंच चुका है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक अब तक भारत में कोरोना के कुल 204 करोड़ 34,03,676 डोज लग चुकी हैं। कोरोना वायरस और मंकी पॉक्स वायरस की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।